आगामी काळात वेगळ्या विदर्भाची चळवळ पुन्हा जोर धरण्याची शक्यता आहे, कारण राष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेले निवडणूक रणनीती तज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांच्याकडून आता वेगळ्या विदर्भासाठीच्या मोहिमेची आखणी केली जाणार आहे. यासाठी प्रशांत किशोर यांनी मंगळवारी नागपूरमध्ये विदर्भवादी नेत्यांची भेट घेतली. येथील परिसरात मिशन 30 बॅनर्स लावण्यात आले होते. भारतात सध्या एकूण 29 राज्य आहे. आता विदर्भ हे 30 राज्य करणारच असा मजकूर या बॅनर्सवर झळकत होता. त्यामुळे येणाऱ्या काळात वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे. प्रशांत किशोर यांनी मंगळवारी बैठकीपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी म्हटले की वेगळ्या विदर्भाकडे केवळ छोट्या राज्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये, तर हा मुद्दा येथील सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थितीशी निगडीत आहे. केवळ लहान राज्यापुरता स्वतंत्र विदर्भाची संकल्पना मर्यादित नाही. विदर्भ स्वतंत्र झाला तरी ते काही लहान राज्य नसेल. विदर्भात 10 लोकसभा मतदारसंघ येतात. एवढे मतदारसंघ असलेल्या राज्याला लहान म्हणता येणार नाही. भारतात 10 लोकसभा मतदारसंघापेक्षा कमी मतदारसंघ असलेली राज्यही आहेत. याशिवाय विदर्भाला स्वतःचा एक असा वारसा आहे, स्वतःचे अर्थकारण आणि समाजकारण आहे. वेगळा विदर्भ झाल्यास त्याबाबतच्या फायद्या तोट्याचा विचार झाला पाहिजे, पण या संदर्भातील अंतिम निर्णय हा विदर्भवादी नेतेच घेतील, असे प्रशांत किशोर यांनी सांगितले. देखिए, पिछले कुछ महीनों से विदर्भ के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कई संगठन और व्यक्ति हमारे संपर्क में रहे हैं. मेरी एक बार उनसे जूम कॉल के माध्यम से मुलाकात और बातचीत भी हुई है. आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ उनको सुनने, मिलने, परिचय करने और उनकी जो भावना है, उनका उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो समझ है विदर्भ को लेकर, अलग राज्य को लेकर, और अभी तक का जो प्रयास किया गया है यहाँ अलग राज्य बनाने को के संबंध में, उसको जानने, सुनने और समझने के प्रयास से आए हैं. अभी मैं अपना विचार इस विषय पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो तभी कुछ व्यक्त कर सकता हूँ जब मैं लोगों को कुछ सुन लूँ, समझ लूँ. विदर्भ का जहाँ तक सवाल है, जो थोड़ा बहुत बाहर से हम लोग जानते समझते हैं, विदर्भ की परिकल्पना छोटे राज्यों की परिकल्पना से नहीं जुड़ी हुई है. ये छोटे राज्यों के अलावा यहाँ की जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति है उससे भी जुड़ी हुई है. अगर ये अलग राज्य के तौर पे जो लोग भी इसकी परिकल्पना करते रहे हैं, वो इसको बहुत छोटा राज्य नहीं होगा. 10 लोकसभा क्षेत्रों का राज्य बहुत छोटा राज्य नहीं होता है. तो सिर्फ इसको छोटे राज्य बनने चाहिए, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं उस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं देखता हूँ. इनकी अपनी एक विरासत है इस क्षेत्र की, इसकी अपनी एक भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है महाराष्ट्र के संदर्भ में और देश के संदर्भ में. उसको देखने समझने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँगा. अभी इस पर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है. जिन लोगों और संगठनों ने मेरे साथ संपर्क स्थापित किया या उनके माध्यम से जिन लोगों के संपर्क में हम लोग हैं, आज मैं उनसे मिलने, परिचय करने, उनकी बात सुनने आया. वो आगे का रास्ता क्या होगा, आंदोलन होगा, मंच होगा, दल होगा, उसकी आर्थिक सहायता उसको कौन करेगा, उसका कार्यक्रम क्या होगा, ये बातें तो तय होंगी. शायद कल तय हो जाए, आज तय हो जाए, एक महीना उसमें लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं. और जब भी वो तय होगा तो जो लोग विदर्भ के हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं या कर रहे होंगे, ये आपको ये सारी जानकारी वो लोग ही दे पाएंगे. VKB न्यूज साठी कैमरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदेही चव्हाण यांची रिपोर्ट. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.